वेलकम बैक क्लास सिक्स. लेट स्टार्ट विद सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकेंड एंड लेक्चर फोर. इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडीड अबाउट टेस्ट फॉर स्टार्च. इसके पहले लेक्चर में आपने टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा था. एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट विथ टेस्ट फॉर प्रोटीन. इसमें हमको ये देखना है कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम. फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंस है कि नहीं है, तो इसका टेस्ट हमको पढ़ना है. नाउ स्टार्ट विथ टॉपिक. फर्स्ट पॉइंट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी फूड आइटम लेते हैं. नाउ इफ यू टेक सॉलिड फूड आइटम, अगर आप कोई सॉलिड फूड आइटम लेते हैं, यू मस्ट नीड मेड पेस्ट और पाउडर. तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको या तो उसका पेस्ट बनाना होगा या उसको पाउडर फॉर्म में करना होगा. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फूड आइटम लेंगे और उस फूड आइटम को, अगर वो सॉलिड फूड आइटम है तो उसका पाउडर या पेस्ट हम बना लेंगे. ठीक है, थर्ड, ग्राइंड और मैश द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. उसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं या मैश कर लेते हैं. ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ा सा फूड आइटम. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. अब जो आप ग्राइंड किए हैं, जो मैश किए हैं फूड आइटम, उसको हम टेस्ट ट्यूब में, जैसा टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है, आपने देखा है इस तरह से. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हम उसको डाल लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम इसको फिल कर देंगे. इस तरह से ये है टेस्ट ट्यूब. तो ग्राइंड करके या मैश करके टेस्ट ट्यूब में हमने फिल कर लिया. नाउ put some of this in clean test tube and add 10 drops of water. ठीक है, उसमें 10 drops water डालते हैं to it and shake the test tube. और उसमें water डाल के test tube को shake कर देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें जो food item है water में mix हो जाता है, अच्छे से paste बन जाता है. Now add 2 drops of solution. आप कॉपर सल्फेट, और उसमें आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, CuSO4. कॉपर सल्फेट का क्या है आपका, ऐड करिए इसमें CuSO4. ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट उसमें डालते हैं एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. ठीक है, उसमें कास्टिक सोडा हम डालते हैं. ठीक है ना, कास्टिक सोडा डालते हैं, कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. देखिए यहां पे, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट. अब उसको हम कुछ मिनट के लिए स्टैंड में लगाकर टेस्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं. ठीक है, जिससे कि वो उस देर के लिए वो अच्छे से मिक्स हो जाता है सोल्यूशन में. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी सी द वायलेट कलर. कौन सा कलर आएगा, आफ्टर सम टाइम यू सी वायलेट कलर इन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर आता है.
विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जिससे कि इंडिकेट होता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इस वायलेट कलर से पता चलता है इन द फूड। यू कैन रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम, आप इस जो एक्टिविटी है इसको आप रिपीट कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं किसी अदर फूड आइटम से, ठीक है, कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन रह भी सकता है, प्रोटीन नहीं भी रह सकता है। अगर प्रोटीन होगा उस फूड आइटम में तो कलर आपका क्या आएगा, वायलेट कलर आएगा, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि फूड आइटम में प्रोटीन है। और अगर वायलेट कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दिस लेक्चर यू सी द कंप्लीट टेस्ट फॉर प्रोटीन। नाउ थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।